केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है जिसका एक परिसर कोट भलवाल में जम्मू में है, और यह हमारे पूरे ऑल इंडिया में लगभग 12 कैंपस हैं जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। यह पार्लियामेंट के अधिनियम के अनुसार यह केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया था, और इसका अखिल भारतीय युवा महोत्सव पहले आयोजित होता था, इस वर्ष से जोनल क्षेत्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। 4 जोन में बांटा गया है पूरे देश में जितने भी हमारे संस्कृत के कैंपस हैं, और इस वर्ष इसका आयोजन यहाँ हम कटरा में श्राइन बोर्ड के सहयोग से कर रहे हैं। इसमें जम्मू कश्मीर के, हिमाचल प्रदेश के, उत्तराखंड के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के सभी छात्र भाग लेंगे, संस्कृत के छात्र, सब जगह से चुन के आए हुए छात्र यहाँ भाग लेंगे इसमें। और इसमें सांस्कृतिक स्पर्धा होगी जिसमें संघ नृत्य, जो संस्कृत गीत पर नृत्य होगा, संस्कृत गीत का प्रतियोगिता, गान का, इसी तरह क्रीड़ाओं में भी बहुत सारी क्रीड़ाएं हैं, वॉलीबॉल है, उसके बाद कबड्डी है, मल्लयुद्ध है, एथलेटिक्स है, बैडमिंटन है, इन सभी प्रतियोगिताओं का आयोजन हम कटरा में करेंगे, कुछ रियासी में भी करेंगे। और जम्मू कश्मीर चूंकि संस्कृत सनातन से संस्कृत की धरा रही है, यहाँ माँ शारदा के का स्थान है, और यहाँ कहलन विहलन अभिनव गुप्त जैसे महान संस्कृत के विद्वान हुए हैं, और इस धरती पर संस्कृत का पुनः स्थापन हो, संस्कृत सब लोग जाने, वस्तुतः है भी, संस्कृत हमारे जीवन में है, हमारे दैनंदिनी क्रियाओं में संस्कृत है, और उसी का को बढ़ावा मिले, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसका उद्घाटन 20 तारीख को कटरा में है, जो माननीय जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जी इसका उद्घाटन करेंगे, फिर 22 तारीख को समापन है। आप मीडिया बंधुओं से यही निवेदन है कि इसको अधिक से अधिक प्रसारित करें ताकि यहाँ के लोग भी इसमें भाग लें और देखें कि किस तरह संस्कृत के छात्र इस तरह से क्रीड़ा स्पर्धा में भी, क्रीड़ा के मैदान में भी अपने कौशल दिखा सकते हैं, और एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो संकल्पना है वह भी इसमें दिखेगा कि संस्कृत के अलग अलग स्टेट के छात्र यहाँ आके क्रीड़ा स्पर्धा में भाग लेंगे और शैक्षिक स्पर्धाओं में भाग लेंगे। और यह एक लोगों को देखने का होगा कि क्रीड़ा स्पर्धा का कमेंट्री आज तक तो आप हिंदी इंग्लिश में सुने होंगे, संस्कृत में भी कमेंट्री किया जाएगा किस तरह क्रीड़ा स्पर्धा में भाग ले रहे हैं। इस वर्ष हम जम्मू में कटरा में जो स्थित है गुरुकुल, माता श्री वैष्णो देवी गुरुकुल, वह भी भाग ले रहा है प्रथम बार, और इस तरह से यह एक अभिनव आयोजन होगा, इसलिए हम जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं सबको आमंत्रित करते हैं कि आप आइए और देखिए, संस्कृत के छात्र सब कुछ करते हैं, और नेशनल जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी सांस्कृतिक भाषा को भी महत्व दिया गया है, और इस कारण यहाँ संस्कृत का प्रचार प्रसार बढ़े, यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद।